हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फोर्स एम के स्किल डेवलपमेंट के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर यानी अकॉर्डिंग टू क्राउडर बिहेवियर इज एनी एक्टिविटी विच कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट वॉट लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिजम्स डू, दैट इज देयर मूवमेंट इन स्पेस। मतलब बिहेवियर यानी हमारा एक्शन या फिर जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे कहा जाता है हमारा बिहेवियर। अब जानते हैं कि बिहेवियर को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। फर्स्ट है मोलेक्युलर बिहेवियर। मोलेक्युलर बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जो कि सडन बिहेवियर होता है, जिसके लिए हम सोचते नहीं हैं, तो ऐसे बिहेवियर को बोला जाता है मोलेक्युलर बिहेवियर। जैसे कि अगर हमारी कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी बिहेवियर हमारा होता है, तो वो होता है मोलेक्युलर बिहेवियर। और उसी के अपोजिट होता है मोलर बिहेवियर। मोलर बिहेवियर यानी ऐसे बिहेवियर जहाँ पर हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद फिर बिहेव करते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है मोलर बिहेवियर। फिर आता है ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जो कि ह्यूमन बीइंग के आउटर से देखा जा सकता है। मतलब जैसे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा ओवर्ट बिहेवियर, क्योंकि वो हमारे फिजिकली कोई भी देख सकता है, इसीलिए उसे कहा जाता है ओवर्ट बिहेवियर। और उसी के अपोजिट होता है कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जो कि कोई देख नहीं सकता है, वो इनर बॉडी में चलते रहते हैं। जस्ट लाइक अगर आप किसी के प्रति घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो वो आप किसी को दिखता नहीं है, फिजिकली दिखता नहीं है, बट आपके मन ही मन में वो होते रहता है। इसे बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर। फिर आता है वॉलंटरी बिहेवियर। वॉलंटरी बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जो कि इंसान खुद के मर्जी से करता है, उसे कहा जाता है वॉलंटरी बिहेवियर। जैसे कि चलना, बोलना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वॉलंटरी बिहेवियर के अंदर। फिर आता है इनवॉलंटरी बिहेवियर। इनवॉलंटरी बिहेवियर में ऐसे बिहेवियर आते हैं जो कि नेचुरली हो जाते हैं, हम सोच के उससे बिहेव नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी बिहेवियर। आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।